बच्चों, आप सब कैसे हो बेटा? सब अच्छे हैं ना? सब ठीक रहना? अच्छा बेटा, अपने घर में ही रहना। अच्छा देखो बेटा, मैंने आपको पदार्थ के बारे में बताया है, उसकी अवस्थाओं के बारे में बताया है कि ठोस, द्रव और गैस के। आज मैं आपको पदार्थ के रूपों के बारे में बताऊंगी कि उनके कैसे स्वरूप होते हैं। जैसे देखो बेटा, हमने एक प्रयोग के द्वारा मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये हमारी सॉइल, मिट्टी, तेल, ऑयल, नींबू का रस, लेमन जूस, नमक, सॉल्ट, शुगर, चीनी, और ये है हमारी पेंसिल की छीलन, यानी कि जो उसका छिलका होता है। अब मैं हमने यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, पानी ले लिया हमने, पानी अलग अलग ले लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसमें हम शुगर डालते हैं, तो क्या होगा। जैसे हमने इसमें शुगर डाली, सबसे पहले हम देखते हैं, इसे हमने शेक करा, हिलाया अच्छे से, और हमने देखा कि शुगर धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा बट ये घुल जाएगी, ठीक है बेटा। अब हमने जो सेकंड ग्लास है, इसमें हमने सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट मीन्स नमक। अब हम इसमें ये नमक डालते हैं, और नमक भी हमने मूव करा तो ये भी पूरी तरह घुल गया। तो जो पदार्थ हमारे पानी में घुल जाते हैं पूरी तरह से, वो क्या कहलाते हैं बेटा? घुलनशील पदार्थ। ओके अच्छा, अब हमारे पास एक और ग्लास है। देखो बेटा, जैसे ये हमारा शुगर, सॉल्ट एंड लेमन रस है ना, लेमन का जूस, नींबू का रस, ये हमारे पानी में घुल जाएंगे। बट ये हमारे क्या है? ऑयल है। अगर हम इसमें ऑयल डालते हैं वाटर में, तो हमारा क्या होगा? ऑयल नहीं घुल पाएगा। जैसे हमने ऑयल डाला इसमें, पहले आप देखो फिर आप बताना। हमने इसे मिक्स करा, यू सी बेटा, सी कि ऑयल ऑयल आउट ऊपर सरफेस पे आ गया है, वाटर के घुला नहीं है, पूरा ऑयल जो है सिर्फ ऊपर आया है, तो इसका मतलब ये घुल नहीं रहा है। तो हमने क्या करा, हमने हमें पता लग गया कि ये नहीं घुल पा रहा है। तो ऑयल क्या है? ये हमारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे घुल नहीं पा रहे हैं पूरी तरह। जो नहीं घुलते हैं वो होते हैं अघुलनशील पदार्थ। अब हमने एक अदर ग्लास में हम क्या डालेंगे इसमें? मिट्टी, मड है ना, सॉइल डाल देंगे। सॉइल डालने के बाद हम देखेंगे ये भी हमारी, पहले हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, ये देखो। अब देखो, अगर हम इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट कर देते हैं, ये 2 मिनट रखते हैं, तो हमें दिखेगा कि हमारा, देखिए इसमें वाटर ऊपर आ गया है और मड नीचे हो गई है, मड बैठ गई है लेकिन घुलेगी नहीं। तो इसलिए बेटा, जैसे हमारे शुगर है, नमक है, नींबू का रस है, ये हमारे पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे घुलनशील पदार्थ। और ऑयल है, सॉइल है, एंड जो भी हमारी, ये देखिए हमारे पास ये भी है, ये पेंसिल की छीलन, अगर हम इसको भी डालते हैं वाटर में, तो क्या होगा? तो क्या दिख रहा है? ये नहीं घुल पा रही है, ये पानी के ऊपर आ गई है, तो इसलिए ये भी नहीं घुल रही है। तो ये हमारी, ये जितने भी पदार्थ होते हैं जो हमारे पानी में पूरी तरह नहीं घुलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? अघुलनशील पदार्थ। जैसे देखो बेटा, अब आपको इसमें देखना है, घुलनशील जो पदार्थ जल में पूरी तरह घुल जाते हैं वे घुलनशील पदार्थ होते हैं। जैसे नमक, चीनी और लेमन रूस, लेमन का जूस जो है, और भी बहुत सारे होते हैं। अच्छा, फिर है हमारे अघुलनशील पदार्थ। जो पदार्थ जल में पूरी तरह नहीं घुलते वे पदार्थ अघुलनशील पदार्थ कहलाते हैं, जैसे चौक, मिट्टी, पेंसिल के छीलन आदि। निम्न, अब मैंने आपको ये वर्क दिया है, इसमें निम्न पदार्थों में से घुलनशील व अघुलनशील पदार्थ छाट कर आपको यहाँ लिखने हैं, और ये पूरा वर्क आपको कॉपी पर करना है बेटा। ओके, घुलनशील पदार्थ हैं ये और ये अघुलनशील पदार्थ। जैसे हमने देखा, इतने सारे हमने दिए हैं इसमें, तो इसमें अभी मैंने आपको नमक दिखाया, चीनी दिखाई है, तो ये हमारे घुल रहे हैं, तो घुलनशील हो गए, तो हम घुलनशील की तरफ लिखते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि नमक घुल पा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नमक। ओके, नमक हमने घुलनशील में रख दिया। फिर हमारा ये घुल रहा है चीनी, तो हम चीनी भी यहाँ रख देंगे। ओके बेटा, ऐसे ही हम इधर अघुलनशील पदार्थ में भी हम उन्हें रखते जाएंगे। जैसे हमारी मिट्टी नहीं घुल पा रही थी है ना, तो हम उनमें मिट्टी ऐड कर देते हैं इस वाली इसमें। ओके,
हमारा ऑयल नहीं घुल पा रहा था, तो ऐसे ही आप भी अपने अपने घर पे, ये घर में ही सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, तो ये सब आप करके और इसमें लिस्ट बना सकते हैं, इन्हें डिवाइड कर सकते हैं घुलनशील पदार्थ और अघुलनशील पदार्थ। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।